अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सेकेंड ईयर नई बुक सेकेंड ईयर न्यू बुक के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 में मैंने 3.1 कर दिया, 3.2 नहीं की, बाकिया उसकी तमाम एक्सरसाइज मैंने कर दी। अब हम चैप्टर 4 पे आ गए। चैप्टर 3 डेरीवेटिव था, चैप्टर 4 हायर ऑर्डर डेरीवेटिव है। चैप्टर 4 में मैंने एक्सरसाइज 4.1 कर दिया आपके लिए, 4.2 कर दिया। 4.2 के दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैकलॉरिन सीरीज एंड टेलर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने सॉल्व कर दिया इससे प्रीवियस क्लास में। अब हम 4.3 में, तो 4.3 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव हैं सारी 4.3 एंड 4.4, तो वो हम करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, हमने इसका स्लोप निकालना है और एट द पॉइंट पॉइंट गिवन है, वाई इज इक्वल टू कर्व ये दिया हुआ है, गिवन कर्व। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एट पॉइंट गिवन है आपके पास, इस पॉइंट पे हमने स्लोप निकालना है 3/2, 27/8। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लोप निकालने के लिए पॉइंट देना ज़रूरी है। स्लोप भी रेट ऑफ चेंज कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड, और एट गिवन पॉइंट, पॉइंट हम पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा, वरना वो रेट ऑफ चेंज होगा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमने इनिशियल क्लासेज में पढ़ा था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म है, आपको फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। जब आप फॉर्म याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा किसको किस तरह हमने ट्रीट करना है। पॉलिनोमियल को ट्रीट करने का अलग वे है, ट्रिग्नोमेट्रिक को अलग वे है, एक्सपोनेंशियल को अलग वे है, लॉगरिथमिक का अलग वे है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग वे है, और हाइपरबोलिक फंक्शन का अलग वे है, और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का अलग वे है। बाद में हम जो है ना पावर, बेस और एंगल तीनों करते हैं। ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पावर, बेस और एंगल करते हैं, पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर और बेस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर बेस एंगल दोनों करते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में भी हम पावर करते हैं। आपके पास एक्सपोनेंशियल के हवाले से कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन नहीं है जिस पर पावर हो, या लॉगरिथमिक के हवाले से एकाक सवाल गिवन है जिस पर पावर हो, वरना बेस और एंगल करते हैं, और एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, फिर उसके पावर को कर देते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आपको तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने तकरीबन तमाम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ एज अ गाइड की तरह, एक कि आपको जो है ना तमाम क्वेश्चन सॉल्यूशन हालत में मिल जाए, आपको देखने में आसानी हो जिसमें प्रॉब्लम हो। तो इसे हम कर रहे हैं, पावर बेस को करेंगे, बेस वाई है तो वाई वाई ओवर एक्स आ जाएगा, पावर 3, पावर में से 1 निकाल देंगे 2 बच जाएगा, बेस को करेंगे एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालना है, और गिवन पॉइंट इसमें पुट कर देंगे तो स्लोप हो जाएगा। आइए पॉइंट पुट करते हैं, हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, एट पॉइंट दिया हुआ है 3/2, 27/8, इस पॉइंट पर निकालना है। जब हम ये पॉइंट पुट कर देंगे इसमें तो ये बन जाएगा स्लोप, तो 3/2 एज इट इज़ है, एक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास 3/2 स्क्वायर, और y की वैल्यू गिवन है 27/8 स्क्वायर है, दोनों पर सॉरी y पर स्क्वायर नहीं है, x पर स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारे पास, इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, स्लोप निकालना था, ये दिया हुआ है 3/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 27/8। इसको सॉल्व कर लें, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 9/4 मल्टीप्लाई बाई 8/27, 4 2 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने कैंसिल आउट करके किया है, न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लें, सेम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप उस कैंसिल कर देंगे 1 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम, और ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, कैलकुलेशन आपको ज़रा स्पीड अप करनी है ताकि जो है ना क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट ऑन इट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, तो हमने अगेन स्लोप निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
और एक पॉइंट पर निकालना है जहां एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है 2, यानी वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है। वाई हमें निकालना पड़ेगा, हमें स्लोप निकालना है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट गिवन पॉइंट जो आएगा वो निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू 2 दी है, एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वो यहाँ पुट कर देंगे हम। तो ये निकालना हमें, हमारे पास पहले पॉइंट निकालना है क्योंकि विदाउट पॉइंट स्लोप नहीं निकलेगा। एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 माइनस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। वाई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 21, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये वाई आ गया। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू √21 एंड एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू −√21, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप निकलेगा। अब कर्व को हम डिफ्रेंशिएट कर लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकाल लें स्लोप निकालने के लिए। लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां वो कह नहीं रहा क्या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें कह रहा स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप की डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एट गिवन पॉइंट पुट कर देंगे, देन वो कहलाएगा स्लोप। तो ये दोनों पर ऑपरेट कर दें, ये 0 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच गया, बेस को करेंगे 1, यहाँ भी पावर और बेस को करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसे वहाँ ले जाए 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू −2x, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ये आ गया −x/y। अब पहला पॉइंट ले लें, एट इस पॉइंट पर निकाल लें हम 2√21, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना हमने एट पॉइंट 2√21 पे, ये कहलाएगा स्लोप। वाई की वैल्यू गिवन, एक्स की वैल्यू गिवन है 2, वाई की वैल्यू गिवन है √21, ये आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे निकालना है एट 2 और −√21 पे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है जो स्लोप कहलाएगा। पॉइंट दिया हुआ है 2 और −√21, ये कहलाएगा स्लोप। तो एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 और वाई की वैल्यू गिवन है −√21, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2 / √21। कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक रूट में और एक आउट ऑफ रूट है, उससे बाहर भी कुछ नहीं आ रहा, 21 को हम ब्रेक भी नहीं कर सकते, 3 और 7 में ब्रेक होगा, रूट से कोई नंबर बाहर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने स्लोप निकाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें स्लोप निकालने के लिए दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है। कर्व की इक्वेशन दी हुई है 3, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये दोनों निकालना, सबसे पहले हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन होने चाहिए, एक्स और वाई। आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, वाई गिवन नहीं है, पहले वाई की वैल्यू निकाल लें, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2 + 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 4 + 1, वाई की वैल्यू आ गई 5/2, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2, वाई की वैल्यू आ गई 5/2। इस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फॉर्मूला ये है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 2 था, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला, ये कहलाता है स्लोप पॉइंट फार्मूला। आपको स्लोप निकालना होगा, जाहिर सी बात है कर्व दिया हुआ है, अभी आप डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप आ जाएगा, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने का, और ये एक्स वन वाई वन पॉइंट्स हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने का फॉर्मूला है।
टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, -1/m एक्स -x1। तो ये दोनों फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। इसके लिए मुझे m चाहिए। m निकालने के लिए हमें y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। स्लोप, m मीन्स स्लोप, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, सही है जी। स्लोप निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो डिनोमिनेटर में, इसे ऊपर ले जाए। आपको मैंने बताया था कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में एलॉन हो, ऊपर जो है ना कांस्टेंट टर्म हो, तो नीचे वाले को ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा, वरना डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो लिहाजा ये एलॉन था, हम डिफरेंशिएट कर दें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा, इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। ये तो एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं वन, और ये पावर पावर में से वन निकालेंगे माइनस टू, और बेस को करेंगे तो वन आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/x2। ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पॉइंट पर हम निकाल लें, पॉइंट आ गया हमारे पास 2 और 5/2, 2, 5/2। तो ये स्लोप बन जाएगा, वन माइनस वन ओवर टू का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3/4। ये सब कैलकुलेशन आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर ये सब कैलकुलेशन आपकी ऐसी नहीं है तो इसी में फंसे रहेंगे आप। काम हमें कुछ और करना है, फिर काम हमारा ये निकल आएगा। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट, होल नंबर को रेशनल फ्रैक्शन में ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, डेसिमल को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने की, ताकि आप कैलकुलेटर के बगैर आसानी से कर लें। ये आ गया स्लोप हमारे पास 3/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, y-y1 = m x-x1। y-y1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास 5/2, m आ गया आपके पास 3/4, x-x1 दिया हुआ है 2। इसका एलसीएम ले लें 2, ये हो जाएगा 2y-5। बस अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, और कुछ नहीं है। x-2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कर रहा हूँ, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये यहाँ आ जाएगा 2y-5 = 3 x -2। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4y, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, 3 x से मल्टीप्लाई होगा 3 x, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। सबको अरेंज कर दें एक तरफ कर दें, ये हो जाएगा 4y, या इसको वहाँ ले जाएं, यहाँ 0 बच जाएगा, या उसे यहाँ ले आएँ, ये 0 बच जाएगा। 4y-3x, -10 पहले से, ये +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y-3x-4 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। सेम लाइक दिस हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखी हुई है। y1 x1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू आ गई 3/4, इसे पलट देंगे, -4/3 हो जाएगा। इसी तरह अरेंज करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी आ जाएगी। तो ये आसान सा है, आपने वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करना है, ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा कि फाइंड द गिवन टू कर्व्स, दो कर्व दिए हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एक कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व दिया हुआ है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकंड कर्व दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकंड कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों कर्व के दरमियान एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तरीकेकार यह है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए। एंगल निकालने के लिए ये सब चैप्टर 2 और 3 में है, इक्वेशन ऑफ लाइन में। एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है m2-m1/1+m1m2। ये तो कर्व दिया हुआ, हमें स्लोप भी निकालना होगा। m मैंने अभी आपको बताया कि m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। और m निकालने के लिए कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही है ना। पहले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे उसके स्लोप को m1, दूसरे कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y उसके स्लोप को m2। उससे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 एंगल बनेंगे, 2 आउटर बनेगा
और दो इनर बनेगा। हमें ये सब निकालने के लिए नहीं कह रहा, हम तो जस्ट एक एंगल निकालेंगे, या तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे या नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। दो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, दो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, कॉम्बिनेशन चार तरह का बनेगा कि दोनों का दो पॉजिटिव ले लें दो वहाँ बन जाएंगे, और दोनों का नेगेटिव ले लें दो वहाँ बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। हमें जस्ट वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, तो हम एंगल निकाल लें यहाँ पे और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम निकाल लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो लेफ्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस नाइन, एक्स इक्वल हो जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को किसी एक इक्वेजन में पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। वन वाली आसान है, इक्वेजन वन इम्प्लाइज डैट, दो ही पॉइंट्स आएंगे क्योंकि यहाँ एक्स की दो वैल्यू नहीं आई है, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू, बल्कि एक ही पॉइंट आएगा नाइन बाई फोर। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, वाई की वैल्यू आ गई नाइन बाई फोर। अब दोनों कर्व को बस चारों पॉइंट्स नहीं आए, कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, एक ही पॉइंट आया हमारे पास, इसी पॉइंट पे निकालेंगे। अब पहले कर्व को हम डिफ्रेंशिएट कर दें, स्लोप आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा टू एक्स, बेस को करेंगे वन एट पॉइंट, पॉइंट ये आ गया हमारे पास थ्री बाई टू और नाइन बाई फोर, इस पॉइंट पे निकालेंगे। ये पहला कर्व था, इसे हम एम वन कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर दें थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, एम वन आ गया थ्री। सेकेंड कर्व ये दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसे भी डिफरेंशिएट करें, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, टू पावर में से वन निकालेंगे वन बच जाएगा, और बेस को करेंगे तो ये एक्स है इसका वन आ जाएगा और ये कांस्टेंट है जीरो आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। ये सब हम कर चुके हैं आप, सही है ना। अब आपको इसी स्पीड से करनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपकी बुक में मैपल कमांड भी दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्ट करेंगे, ये इतना सारा करके दिखाना नहीं होगा, जब वो कमांड यूज़ करने के लिए कहेगा तो ये डायरेक्ट मैं ये लिख दूंगा, और ये आपको इस तरह अब आना चाहिए। जब आप इसे डायरेक्ट इस तरह लिखना सीख जाएंगे तो इंटीग्रेशन में आपको परेशानी नहीं होगी। सेकेंड ईयर की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं, अब तो उन्होंने नई बुक डिज़ाइन की है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, आप भी यूज़ करेंगे हायर लेवल पे जाके लाजमी। अच्छा, हायर लेवल पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी थी, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने चैप्टर नंबर 12 में आपको दे दिया है सॉल्व करने के लिए, वहाँ दिया हुआ है मैकलॉरिन सीरीज़, और जो है ना आपके पास टेलर सीरीज से क्वेश्चन वहाँ हायर लेवल पे हैं, वो भी आपको दे दिया गया है कि आपको थोड़ा बहुत आए। उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें मेथड है, हमने रूट्स निकालना है उन मेथड्स को यूज़ करके, न्यूटन रैफसन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, फरारी मेथड है, वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, रेंज कटा मेथड है, लेकिन आपको ये इतने सारे नहीं दिए गए हैं, कुछ दो तीन दिए गए हैं जिनसे हम रूट्स निकालेंगे, वो भी अच्छा चैप्टर है, हम रूट्स निकालना सीखेंगे ताकि हायर लेवल पर हमें आसानी हो। कुछ और पढ़ें या ना पढ़ें, ये सब तो आपको पढ़ना चाहिए, एलेवन टूल्व तो मस्ट पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर आपको परेशानी होगी, और अभी से पढ़ के जाएंगे तो आप सीखे हुए होंगे। खैर जी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, एट पॉइंट, पॉइंट ये दिया हुआ है हमारे पास टू बाई थ्री, थ्री बाई टू, एट इस पॉइंट पे निकालना है थ्री बाई टू और नाइन बाई फोर, तो ये हो जाएगा एम टू, सेकेंड कर भाई एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू माइनस थ्री, वही इसका एलसीएम लेंगे टू आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, सिक्स में से थ्री निकाल देंगे माइनस थ्री बच जाएगा, ये एम टू आ गया। अब हम निकाल लें एंगल, हमें एंगल निकालने के लिए कह रहा, फॉर एंगल टेन थीटा इक्वल होता है एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू, टेन थीटा, एम टू गिवन है हमारे पास माइनस थ्री, एम वन गिवन है हमारे पास थ्री,
वन प्लस एम टू गिवन है माइनस थ्री और थ्री, ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ये हो जाएगा वन माइनस नाइन, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस एट, नाइन में से वन निकाल देंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टेन थीटा। मेरे पास स्टूडेंट कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बुक वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, वो आंसर लिख देंगे, वट एवर को या शायद अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री आ रहा, तो ये आंसर लिख देंगे हम बुक में, ये आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर फोर था। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास ये कह रहा, इसको जरा गौर से देखना है, क्वेश्चन नंबर फाइव। मैंने वहाँ चैप्टर एट भी स्टार्ट कर दिया, सर्किल करवा दिया, सर्किल करवाने के बाद हम कॉनिक पे चले जाएंगे। पहला कॉनिक हाइपर पैराबोला है, फिर उसके बाद हमारे पास इलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला आएगा। तो पैराबोला की कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ। जब आप पैराबोला वगैरह जब मैं रिपीट पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे हम निकालते हैं और नॉर्मल हम किस तरह निकालते हैं पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है प्रूव करना है कि प्रूव डैट द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा वेयर एट एक्स इज इक्वल टू ए, उस पॉइंट पर जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। वो कह रहा है कि प्रूफ डैट जो है ना इंटरसेक्ट आर एट राइट एंगल टू इच अदर, एक दूसरे पर राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी इसके मतलब ये हुआ उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है 90 डिग्री का। राइट एंगल के लिए दो कंडीशन है, या तो हम किसी तरह एंगल लिया है 90 डिग्री का तो प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल है, या फिर कंडीशन ये भी है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर सेवन में आप पढ़ेंगे कि दो लाइन के या कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब गिवन लाइंस और गिवन कर्व परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, स्लोप ही निकालेंगे, तो बजाय एंगल निकालने के दोनों का स्लोप निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना वो दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल है। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर नंबर सेवन में गिवन है, स्लोप निकालने का वहाँ फार्मूला गिवन है, वहाँ स्लोप निकालने के तीन फार्मूले गिवन है। पहले फार्मूला ये गिवन है, जब स्लोप आपके पास एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप ऑफ एन एंगल निकालने का ये फार्मूला है। अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं किया, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो ये सारी बेसिक बातें बताऊँगा। ये स्लोप ऑफ एन एंगल निकालने का फार्मूला है, अगर आपके पास एंगल गिवन हो, ठीक है, एंगल दिया होगा आपके पास 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 10, 30 की वैल्यू निकालेंगे स्लोप आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला, स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप निकालने का ये फार्मूला है आपके पास, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, सही है ना, ये पुट कर देंगे, ये स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स है। चैप्टर नंबर सेवन में ये सारा आपके पास है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर टू और थ्री में था, और ये स्लोप ऑफ एन ऑफ अ लाइन है माइनस ए ओवर बी, इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। हम यहाँ यही यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के बजाय, लाइन का स्लोप निकाल देंगे। ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी लाइन की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का कोएफिशिएंट कैपिटल ए कहलाएगा और वाई का कोफिशेंट कैपिटल बी कहलाएगा। अगर इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस ए ओवर बी आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा इस लाइन का। लाइन में तो नंबर गिवन होता है आपके पास 2x+3y+5 इक्वल टू जीरो, तो -2/3 आ जाएगा, स्लोप निकाल लेंगे। ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशेंट ऑफ एक्स को, ये सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशेंट ऑफ वाई को, सही है जी, तो हम स्लोप निकालेंगे। तो हम यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें ये कर्व दिया हुआ है हमारे पास, ये कर्व जो है ना पैराबोला की इक्वेजन है, ये इक्वेजन ऑफ पैराबोला है, सही है। और अगर इक्वेजन पैराबोला की हो तो उस सूरत में इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला ये होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फार्मूला ये, कर्व अगर पैराबोला हो तो x+x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने, इक्वेशन निकालने का फार्मूला है पैराबोला पे जो लाइन टेंजेंट हो। टेंजेंट लाइन उस लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व पर टच करे, किसी कर्व को टच करे। पैराबोला को दो फॉर्म में कट कर रहा, पैराबोला इस फॉर्म में होता है, टेंजेंट लाइन यहाँ भी होगी और एक यहाँ भी होगी, दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, सही है ना। किसी कर्व पे टेंजेंट लाइन कितने ड्रॉ हो सकते हैं, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है या आउटसाइड द कर्व है तो उस पर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होंगे, पॉइंट बाहर है ये रहा पॉइंट।
अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो फिर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, और अगर पॉइंट इन द कर्व है तो फिर नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा किसी कर्व या सर्किल या स्फीयर पर। टेंजेंट लाइन इस तरह ड्रॉ होता है, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्किल कर्व या जो है ना स्फीयर है तो उस सूरत में दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और अगर जो है ना ऑन द सर्किल या ऑन द स्फीयर या ऑन द कर्व है तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और अगर इन द सर्किल या इन द कर्व या इन द स्फीयर है तो नो टेंजेंट कोई भी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। तो इक्वेजन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन है, ये बड़ी आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पुट कर दें आप एक्स की जगह तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, सही है ना? तो हमें दोनों पॉइंट पुट करना है, एक्स की भी और वाई की भी। इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें, इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है। टेंजेंट लाइन का भी फार्मूला लिखा है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, स्लोप आ गया, सही है ना? पॉइंट दिया होगा तो पॉइंट पुट कर देंगे, नहीं दिया होगा जनरल फॉर्म में अगर हम निकालें एक्स वन वाई वन पॉइंट पे निकालें तो ये हो जाएगा 2a ओवर वाई वन, और इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन अभी मैंने आपको बताई, ये m हो गया, एम की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, वाई वन की जगह वाई वन रहेगा, एक्स वन की जगह एक्स वन रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा। हम इसी तरह तो निकाल लें ड्राइव करके, सही है ना? लिहाजा आपने ड्राइव करना है, ड्राइव वगैरह नहीं करना है हमने, डायरेक्ट हम जब पैराबोला पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ें ड्राइव करके देखेंगे, बल्कि पैराबोला की इक्वेजन मैं आपके लिए पैराबोला की इक्वेजन भी ड्राइव करूँगा, इलिप्स की इक्वेजन भी ड्राइव करूँगा और हाइपरबोला की इक्वेजन भी ड्राइव करूँगा, ठीक है जी? तो ये इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन है, हमें कह रहा है कि हमने ये शो करना है, यहाँ पे इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन दो आएगी, हमने ये शो करना है कि दोनों राइट एंगल पर राइट एंगल बना रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम स्लोप से प्रूव करेंगे अभी जिस तरह मैंने आपको बताया। आइए जी देखते हैं, ये कर्व दिया हुआ है आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी पैराबोला जिसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दें ताकि वाई की वैल्यू आ जाए, और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2a आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट्स ये आ जाए, आ गए हमारे पास, पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू a है, वाई की वैल्यू पहला पॉजिटिव लेना है, और एक्स की वैल्यू a ही लेंगे, वाई की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन निकालना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन निकालना है, दोनों का स्लोप निकालना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है, और रिजल्ट -1 आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि गिवन टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल या राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, स्लोप निकालना है, सही है ना? स्लोप निकाल के हम जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में हम ड्राइव कर देंगे, यहाँ पे है, और पैराबोला की इक्वेशन से अब हमें स्लोप निकालने की ज़रूरत भी नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पैराबोला ये है हमारे पास, क्योंकि आप अभी अगली क्लास में गए नहीं हैं इसलिए ये कहलाता है फोकस ऑफ द पैराबोला, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर है इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैराबोला एक्स एक्सिस पर है। पैराबोला की टाइप्स इस टाइप का होता है, अगर वो एक्स एक्सिस पे होगा तो इस तरह इक्वेजन बनेगी, इस तरह फिगर बनेगी उसकी, और अगर वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, नेगेटिव पे होगा तो इस तरह फिगर बनेगी, और अगर वाई पर होगा तो उसका डायग्राम इस तरह बनेगा, और अगर वो जो है ना नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा तो उसका डायग्राम इस तरह बनेगा, सही है ना? ये कैटनरी भी कहलाता है, इक्वेजन ऑफ कैटनरी, जो BS प्रोग्राम में आप जाके ये सब पढ़ेंगे, जो इंजीनियर बनते हैं वो कैटनरी की इक्वेजन वगैरह बाकायदा निकालते हैं, खैर वो तो बात की बात है, जब हम पैराबोला पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। हमने निकालना है इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो फॉर इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन डायरेक्ट, या हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको खुद लिख देंगे ये कि इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन ये है, और इसे खुद पहचान लेंगे कि ये इक्वेजन ऑफ पैराबोला है, इक्वेजन ऑफ पैराबोला। इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का फॉर्मूला ये है, पैराबोला की इक्वेजन अलग अलग है, ये फॉर एक्स एक्सिस के लिए, पैराबोला एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेजन लिखी है मैंने, पैराबोला वाई एक्सिस पर होगा तो वाई एक्सिस की इक्वेजन आएगी, वाई एक्सिस की इक्वेजन इस फॉर्म में बनेगी, एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 2ay प्लस वाई वन, और पैराबोला वाई एक्सिस पर होगा तो उसकी इक्वेजन ये होगी, ठीक है जी? ओरिजिन पर होगा तो उसकी इक्वेजन ये बनेगी, ठीक है जी? इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने, पॉइंट हम ले लेते हैं पहला a और 2a,
एट इस पॉइंट पर निकालना है ए और टू है, वाई वन की वैल्यू दी हुई है टू है, ये टू है, एक्स प्लस एक्स वन की वैल्यू ए दी हुई है, टू ए से टू ए कैंसिल, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसको वहाँ ले जाए तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये पहली टेंजेंट लाइन आ गई। दूसरी टेंजेंट लाइन निकाल लें एट इस पॉइंट पर ए और माइनस टू ए पर, इक्वेजन लिखते हैं हम, वाई वाई वन की वैल्यू अब गिवन है माइनस टू है, ये टू ए है, एक्स प्लस एक्स वन की वैल्यू है, टू ए से टू ए कैंसिल, ये माइनस का वाई बच गया एक्स प्लस ए, इसको वहाँ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। हमने तो ये शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर, एट राइट एंगल पर, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अभी मैंने स्लोप का फार्मूला लिखा आपके लिए, स्लोप का फार्मूला फॉर जो है ना एंगल गिवन हो तब लिखा मैंने, स्लोप का फार्मूला मैंने लिखा बिटवीन टू पॉइंट्स, और स्लोप का फार्मूला लिखा व्हेन अ लाइन इज गिवन। तो ये पहली लाइन है, इसका स्लोप निकाल लें, पहली लाइन की इक्वेशन ये है स्लोप ऑफ, ये चूंकि टेंजेंट लाइन है तो इसलिए लिख दें टेंजेंट लाइन फर्स्ट, इसे एम वन से रिप्रेजेंट कर दें। फार्मूला ये है माइनस ए ओवर बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस वन दिया हुआ है, एम वन की वैल्यू आ गई वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगेन निकालेंगे सेकेंड, एम टू वही कोएफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ बी, ए कोफिशियंट ऑफ एक्स दिया हुआ है सेकेंड लाइन ये रही, इसका कोफिशियंट दिया हुआ है वन और वाई का भी वन दिया हुआ है, तो एम टू आ गया माइनस वन। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, एम वन वन आया, एम टू माइनस वन आया, माइनस वन आ गया, तो हम लिख देंगे हैंस गिवन टेंजेंट लाइन सही है ना इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि आपने कॉनिक नहीं पढ़ा, जब आप कॉनिक पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी कि हाँ आसान है। चैप्टर नंबर 7 अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले ही जो है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा भी जाता है, और सेकेंडली जो है ना ये यूज़ भी है बहुत ज़्यादा इसका हायर लेवल पे, ओ लेवल में भी है, ए लेवल में भी है, सब जगह है, बीएस प्रोग्राम में भी है। तो सेकेंड ईयर की बुक से ये अब तो दो टॉपिक और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस और वहाँ जो है ना डिफरेंशियल इक्वेजन आपके पास गिवन है उसकी कुछ टाइप उन्होंने दे दी है। डिफरेंशियल इक्वेजन की तो वैसे 7 टाइप्स हैं, उन्होंने जो है ना 2 या 3 दिए हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो आपके लिए आगे जाके फायदा होगा। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें ये सारी चीजें तो आपने पढ़नी है ताकि इससे आगे हायर लेवल पे आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स स्क्वायर गिवन कर्व ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसने कंडीशन गिवन दी है। कंडीशन कह रहा है ये टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉइंट निकालना है हमें, निकालने के लिए कह रहा पॉइंट, इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट हैंड साइड पे तो जीरो है करने की जरूरत नहीं है, सब पर ऑपरेट कर दें। इसे करेंगे पावर, पावर में से वन निकाल देंगे, वन बचेगा बेस का वन, इसे करेंगे पावर और वाई को करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे वन, फोर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट को करेंगे जीरो। ये सारे काम हम करके आ चुके हैं जो मैं तेज़ी से कर रहा हूँ,
टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू माइनस फोर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों के साथ डी वाई ओवर डी एक्स है, इन दोनों को वहाँ ले जाएं, ये आ जाएगा टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस फोर डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है टू और डी वाई ओवर डी एक्स, बच जाएगा वाई माइनस टू, इन दोनों में से भी माइनस टू कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन बचेगा, टू से टू कैंसिल, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस टू। ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया, सही है जी। स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए मुझे पॉइंट, मैंने आपको कहा था कि स्लोप निकालने के लिए पॉइंट पुट करना ज़रूरी है, यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है, तो जनरल पॉइंट पर निकाल लें एक्स और वाई पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स और वाई पर निकालना है, यानी एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह वाई पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, वही आ जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ये स्लोप आ गया कर्व का। अच्छा, कंडीशन क्या दी हुई है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है ना, ये चैप्टर सेवन में आप पढ़ेंगे कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जिसे हम M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल है, जब कोई लाइन y एक्सिस पर y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, और जब कोई लाइन x एक्सिस पर हो या x एक्सिस के पैरेलल हो, व्हेन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और ऑन y एक्सिस, बोथ केसेस में उसका स्लोप आ जाएगा इनफाइनाइट, और व्हेन अ लाइन पर, क्योंकि y एक्सिस पर अगर कोई लाइन है तो उसका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अभी मैंने स्लोप निकालने का फार्मूला बताया tan थीटा, अगर एंगल दिया हुआ हो तो 1090 इक्वल होता है इनफाइनाइट के, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, व्हेन अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो, सही है ना। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, पॉइंट निकालना है, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, यानी गिवन कर्व इज पैरेलल, कंडीशन दी हुई है टू वाई एक्सिस, ये भी थ्योरी है कि दो लाइनें या दो कर्व या एक लाइन एक कर्व एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो, व्हेन टू लाइंस आर जो है ना आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, और व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल हो जाएंगे, अब जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, ये कंडीशन है जो चैप्टर नंबर सेवन में आप पढ़ेंगे। मैं तो खैर अभी मैंने क्लास वो ली नहीं, जब लूँगा तो वो सारी चीज़ें आपको करवाऊँगा बेसिकली। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आ गया हमारे पास M2 इनफाइनाइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल ले लिया, M1 की वैल्यू आ गई और ये आ गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम लिख देंगे वन ओवर जीरो, किसी भी नंबर के नीचे जीरो लिख दें वो हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, पॉइंट आ गया। इस वाई की वैल्यू को हम गिवन कर्व में पुट कर दें, इसे वन दे दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमें यही तो कह रहा निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वन दिया हुआ है, माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई की जगह वन दिया हुआ है, प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फोर में से टू निकाल देंगे टू बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और फोर में से टू निकालेंगे माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, मैं यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, हमें पॉइंट ही निकालने के लिए कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी, बी की जगह माइनस टू दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, सी की जगह भी माइनस टू दिया हुआ है, टू ए की जगह वन दिया हुआ है, ये प्लस का टू हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, फोर टू ज़ा एट डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा टू प्लस माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू, यहाँ से टू बाहर आ जाएगा और थ्री रूट के अंदर रह जाएगा, टू रूट थ्री ट्वेल्व को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टू, ऊपर से टू कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, ये वैल्यू आ गई एक्स की, पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास वन प्लस माइनस रूट थ्री और वाई की वैल्यू आ गई वन, हमें यही तो कह रहा निकालने के लिए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो सो स्टूडेंट, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है, तो उसकी कुछ थ्योरी पहले बताऊंगा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे आपको तो आप जो है ना सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।